रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल विल बी गुड एंड फाइन। आई एम टीचर ऑफ क्लास प्रेप फ्रॉम पेशावर मॉडल स्कूल नौशेरा कैंपस। टुडे वी विल डू वर्कशीट ऑफ मैथ्स फ्रॉम योर चाइल्ड्स एसवीटी। ओके, दिस इज वर्कशीट नंबर 4 ऑन पेज नंबर 14। वर्कशीट नंबर 4 एंड वर्कशीट नंबर 5 on page number 15. So you have to take out these both worksheets. वर्कशीट नंबर 4 और 5 आप लोगों ने निकालना है और आज हमने ये करने हैं, ठीक है। मैथ्स के सब्जेक्ट आपकी SVT में से आप लोगों ने मैथ्स में से ये दोनों वर्कशीट्स निकालने हैं। काउंट एंड सर्कल द नंबर, द क्वेश्चन इज काउंट एंड सर्कल द नंबर। स्टूडेंट्स, वी विल काउंट द बटरफ्लाइज। व्हाट आर दीज बटरफ्लाइज? बटरफ्लाइज़ को हम काउंट करेंगे एंड देन वी विल सर्कल द नंबर। इन दीज थ्री नंबर वी विल सर्कल द वन नंबर। लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5। हाउ मैनी बटरफ्लाइज आर दीज? 5। ये 5 बटरफ्लाइज है तो हमने 5 को सर्कल किया। देन 1, 2, 3 एंड 4। 4 स्पैरोज आर हेयर सो वी विल सर्कल 4। Then 1 and 2 rabbits are here, so we will circle 2. Then 1, 2, 3, 4, 5 and 6 chicks are here, so we will circle number 6. डियर पेरेंट्स, आप लोग भी अपने बच्चों के साथ वर्कशीट को इस तरीके से करें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से। अब हम मूव करते हैं वर्कशीट नंबर 5 की तरफ। मैच द शेप्स, ठीक है। शेप्स इस साइड पे भी दी हुई हैं और शेप्स इस साइड पे भी दी हुई हैं। हमने क्या करना है कि मैच करना है सेम शेप्स को, ठीक है। दिस इज रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर एंड ऑल, ठीक है। फर्स्ट वी विल फाइंड आउट रेक्टेंगल हियर। दिस नो स्क्वायर, ओवल एंड रेक्टेंगल। सो वी विल मैच रेक्टेंगल टू रेक्टेंगल लाइक दिस। ओके, देन सेकेंड नंबर शेप इज ट्राइंगल। सो दिस इज ट्राइंगल, यस वी विल मैच ट्राइंगल टू ट्राइंगल। ये हमने ट्राइंगल को ट्राइंगल से मैच करना है, ठीक है। नेक्स्ट शेप इज सर्कल, और यहाँ पे सर्कल किधर है? दिस इज ट्राइंगल, दिस इज, यस दिस इज सर्कल। सो वी विल मैच सर्कल टू सर्कल। वी हैव मैच सर्कल टू सर्कल। नेक्स्ट इज स्क्वायर, सो वी हैव मैच हेयर स्क्वायर शेप टू स्क्वायर शेप इन द सेकेंड वन रो। Now the last one is oval. Which shape is this? Oval. So let's find out triangle, circle, square and oval and oval. So we have done the worksheet like this. Parents, आप लोगों ने भी अपने बच्चों के साथ वर्कशीट सेम इसी तरीके से करना है। दिस इज़ वर्कशीट नंबर 5 एंड दिस इज़ वर्कशीट नंबर 4। आई होप कि आप लोग को समझ आ चुकी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।